जापान के लोग ये ऐसे मार मार कर क्या बना रहे हैं, जानकर रह जाओगे हैरान। आज जानेंगे, हर देश की अपनी एक ऐसी डिश होती है जो उस देश के साथ जोड़कर देखी जाती है, और आज हम आपको जापान की ही एक ऐसी डिश के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको इस डिश के बारे में बताएं, आप पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो में जिस हरी चीज को ये लोग कूट रहे हैं, इसे कहते हैं मोची, जो कि जापान की एक फेमस डिश है। मोची पिछले कई सौ सालों से जापान में बनाई और खाई जा रही है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मोची को चावल के आटे से बनाया जाता है, जिसमें पानी, चीनी और कॉर्न स्टार्च भी डाले जाते हैं। वैसे तो आपको जापानीज मार्केट में मोची साल के किसी भी दिन अवेलेबल हो जाएगी, पर इसे न्यू ईयर पर काफी ज्यादा खरीदा जाता है, क्योंकि ये जापानीज न्यू ईयर के लिए एक ट्रेडिशनल डिश है। जैसे हमारे यहाँ न्यू ईयर पर काजू कतली और गुलाब जामुन होते हैं, कई लोग इन्हें सूप में डालकर खाते हैं तो कई लोग इन्हें डायरेक्टली डेजर्ट की तरह खाते हैं। आजकल इंटरनेशनल मार्केट्स में भी मोची को खूब पसंद किया जा रहा है, इसलिए अगर कभी आपको मौका मिले तो इसे ट्राई जरूर करना, और अगर आप में से किसी ने मोची खाई है तो आप एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नंबर 8, भारत के कई लोग जो विदेश में रह रहे हैं, आए दिन भारत का सीना गर्व से ऊंचा करने का काम कर रहे हैं, और अब इस लिस्ट में एक नया नाम शामिल हो चुका है। हम बात कर रहे हैं हरप्रीत चांदी की। भारतीय मूल की हरप्रीत ब्रिटिश आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है, जो कि पेशे से एक साइकोथेरेपिस्ट है। चांदी ने हाल ही में साउथ पोल पर अकेले ट्रैवल करके 700 माइल सफर तय किया और 40 दिन तक -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेला, और ऐसा करने वाली वे दुनिया की पहली महिला बन गई है। सच में गर्व होता है ऐसे भारतीयों पर। नंबर 7, आजकल पेमेंट्स के लिए कैश का इस्तेमाल काफी कम किया जाता है। ज्यादातर लोग अपने पेमेंट्स गूगल पे जैसी ऑनलाइन पेमेंट ऐप से करते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर गूगल पे कमाई कैसे करता है? चलिए आज आपको बताते हैं। गूगल पे 3 तरीकों से कमाई करता है। पहला, मोबाइल रिचार्ज पर कमीशन लेके, दूसरा बिल पेमेंट्स पर कमीशन लेके, और तीसरा ब्रांड प्लेसमेंट फीस, यानी जो कूपन्स आपको गूगल पे पर मिलते हैं उसके लिए वो कंपनी से पैसा लेते हैं। फिलहाल गूगल पे का पूरा फोकस है अपना यूजर बेस बढ़ाने पर, इसीलिए गूगल कमाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिलहाल गूगल प्ले के दुनिया भर में 15 करोड़ यूजर्स हैं। अगर वो हर यूजर से 0.1% भी ट्रांजैक्शन फीस लेंगे तो उसकी हर साल की कमाई कई हजार करोड़ में पहुंच जाएगी, पर फिलहाल गूगल ऐसा नहीं कर रहा। हो सकता है आने वाले टाइम में गूगल इस स्कीम को लागू कर दे और आपसे हर ट्रांजैक्शन के लिए फीस लेने लगे। नंबर 6, हमने आपको आज तक कई मजेदार कहानियाँ सुनाई है, पर आज हम आपको जो कहानी सुनाएंगे उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बहुत सालों पहले की बात है, अफ्रीका के ऊपर से उड़ते हुए एक पायलट ने कोका कोला पीकर उसकी खाली कांच की बोतल नीचे फेंक दी। बोतल एक ऐसे जंगल में जाकर गिरती है जहाँ के लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान होते हैं, और उन्होंने ऐसी बोतल कभी नहीं देखी होती। वहाँ के लोगों को लगता है कि ये बोतल भगवान का तोहफा है, इसीलिए पूरे कबीले के लोग अपने हर काम के लिए उस बोतल का इस्तेमाल करने लगते हैं। पर कुछ टाइम बाद वो लोग इस बोतल के चक्कर में आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देख कबीले के लोग उस बोतल को शापित बोलने लगे। एक दिन कबीले का एक व्यक्ति उस बोतल को भगवान तक वापस पहुंचाने के लिए उसे हवा में फेंकता है, पर वो बोतल उसी के बेटे के सर में लगती है, जिससे कबीले के लोगों को भरोसा हो जाता है कि बोतल सच में शापित है। और फिर वो व्यक्ति उस बोतल को दुनिया के एक ऐसे कोने में फेंक कर आने का फैसला लेता है जहाँ वो कभी किसी के हाथ न लगे, और कई दिनों तक ट्रैवल करके वो उस बोतल को दूर फेंक आता है। ये अफ्रीका के कालाहारी ट्राइब की सच्ची कहानी है। नंबर 5, भारत में कई ऐसी कंपनीज हैं जो भारत की नहीं है, पर उनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स भारत में काफी डिमांड में होते हैं। अब भारत की ही एक ऐसी कंपनी है जो यूके की नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई है। हम बात कर रहे हैं भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। हाल ही में रिलीज हुए डेटा के हिसाब से TCS यूके की नंबर 1 सॉफ्टवेयर और IT सर्विस कंपनी बन गई है, और ये भारत के लिए सच में काफी गर्व की बात है। नंबर 4, ऑक्टोपस अपनी पूरी जिंदगी पानी के अंदर बिताते हैं, ये आप सभी जानते हैं, पर आज हम आपको दुनिया के एक लौते ऐसे ऑक्टोपस स्पीसीज से मिलाएंगे जो खाने की तलाश में पानी से बाहर जमीन पर भी घूमता है। हम बात कर रहे हैं ऑक्टोपस एक्यूलेटस ऑक्टोपस के। ये दुनिया के एक लौते ऐसे ऑक्टोपस स्पीसीज है जो जमीन पर भी चल सकते हैं। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट लाइन पर पाए जाने वाले ये ऑक्टोपस केकड़ों का अपना शिकार बनाते हैं, जिसके चलते ये समंदर से निकलकर आसपास मौजूद छोटे छोटे पानी के पूल्स में केकड़े तलाशते हैं और अपना पेट भरते हैं, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। नंबर 3, आजकल टेस्ला की टनल्स को सोशल मीडिया पर काफी रोस्ट किया जा रहा है, क्योंकि टेस्ला ने करोड़ों खर्च करके ट्रैफिक जैम से बचाने वाली टनल बनाई है, और वहीं ट्रैफिक जैम लग गया। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। ट्रैफिक जैम से बचने के लिए टेस्ला के ओनर एलन मस्क ने एक अंडरग्राउंड टनल बनाने का फैसला लिया, जहां से सिर्फ टेस्ला की गाड़ियों को जाना अलाउ किया जाना, ताकि टेस्ला खरीदने वाले लोग भारी ट्रैफिक जैम अवॉइड कर सके। ये
टनल बन के तैयार हुई लास वेगास कन्वेंशन सेंटर के वेस्ट हॉल से साउथ हॉल के बीच, और इस टनल में जाते हुए एक टेस्ला ओनर ने टनल की वीडियो बनाने का फैसला किया ताकि ये दिखा सके कि टेस्ला लेने के क्या फायदे हैं। पर कुछ दूर जाकर उसे टनल में भी जाम देखने को मिल गया और ये वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया। वीडियो देखने वालों ने इस टनल की आइडिया को एलन मस्क का एक और फ्लॉप आइडिया बता दिया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, आपने आज तक कई तरीके की बीचेस देखे होंगे, पर क्या कभी आपने कोई ऐसा बीच देखा है जो बर्फ के अंडों जैसे आकार के टुकड़ों से भरा हुआ हो? हम बात कर रहे हैं फिनलैंड और स्वीडन के बीच मौजूद गल्फ ऑफ बोटनिया के हेलियुतो आइलैंड के बीच के बारे में, जो ठंड के मौसम में कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं मानो वहाँ भारी मात्रा में अंडे जमा हो गए हो। अंडे जैसे दिखने वाले ये बर्फ के गोले असल में एक नेचुरल फिनोमिनन के चलते बनते हैं, जहाँ समंदर की लहरें पानी पर बर्फ जमने नहीं देती और ये बर्फ लहरों से टकराकर अंडों का आकार ले लेती है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 1, भारत पाकिस्तान विभाजन के टाइम पर भारत के कई परिवार पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के कई परिवार भारत आ गए, पर कई परिवार ऐसे थे जिनके कुछ लोग भारत में रह गए तो कुछ पाकिस्तान में। और ऐसे ही दो भाइयों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो 74 साल बाद एक दूसरे से मिले सादिक और सिक्का खान से। सादिक और उनके पिता 1947 में गर्मियों में पंजाब में थे, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वहीं उनकी माँ और उनका 4 साल का भाई सिक्का अपने ननिहाल गए थे, जो अब भारत के पंजाब का हिस्सा है। और उस दौरान भारत पाकिस्तान दो भागों में बंट गया और दोनों फिर कभी नहीं मिल पाए। 2 साल पहले एक पाकिस्तानी यूट्यूब ने सादिक की कहानी अपने चैनल पर डाली, जिसे भारत में रह रहे उसके भाई सिक्का के गांव वालों ने देख लिया। और काफी पेपर वर्क के बाद फाइनली दोनों भाइयों की जनवरी 2022 में करतारपुर गुरुद्वारा में विभाजन के बाद पहली मुलाकात हुई और दोनों भावुक हो गए, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।